राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर हरिबाव आदमने कला वाणिज्य महाविद्यालय सामने इन दिनों वहाँ कार्यरत प्राचार्य प्राध्यापक तथा संस्था चालकों की कार्य प्रणाली से चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2020 की कला विभाग के फर्स्ट सेकंड व थर्ड वाणिज्य विभाग के फर्स्ट व सेकंड के पहले तीसरे व पांचवे सेमेस्टर के 600 छात्रों की शीतकालीन परीक्षा के मार अभी तक प्राचार्य जुमड़े ने विद्यापीठ में न भेजने के कारण उक्त 600 छात्रों का रिजल्ट अभी भी नागपुर विद्यापीठ में स्थगित पड़ा रहने से वे सभी छात्र फेल की स्थिति में होकर उन्हें आगामी परीक्षा देनी पड़ सकती है। प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही की सजा 600 छात्रों और उनके अभिभावकों को आज भी चुकानी पड़ रही है। जहां उनके बच्चों का एक वर्ष व्यर्थ जा रहा है, वहीं उन्हें आगामी परीक्षा की भारी फी भरकर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके लिए जवाबदार कौन है, यह सवाल उठाना लाजमी है। इसी विषय पर हमारे स्थानीय संवाददाता महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पाटिल से महाविद्यालय में प्रत्यक्ष मिलकर हकीकत जाननी चाहिए तो प्राचार्य पाटिल ने उन्हें घंटों इंतजार कराकर बात कराना तो दूर मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इससे इस विषय के प्रति उनकी गंभीरता और उनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस विषय पर डॉक्टर हरिबाव आदमनी कला वाणिज्य महाविद्यालय सामनेर के संचालित करने वाली राष्ट्रीय विकास शिक्षण संस्था के अध्यक्ष दामोदर पराते से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह 600 छात्रों के भविष्य का विषय है। इस संदर्भ में नवनियुक्त कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पाटिल को इस विषय पर पहल कर छात्रों के इंटरनल असाइनमेंट मार्क को नागपुर विद्यापीठ भेजने की सूचनाएं दिए जाने की बात अध्यक्ष ने कही। हमारे स्थानीय संवाददाताओं ने डॉक्टर हरिभाव आदमनी कला वाणिज्य महाविद्यालय सामने जाकर प्रत्यक्ष जांच करने पर पाया कि प्राचार्य जुमड़े को संस्था चालकों ने निलंबन का प्रस्ताव भेजने पर तथा कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पाटिल के नियुक्ति के बाद भी प्राचार्य के कक्ष पर अभी भी प्राचार्य वीरेंद्र जुमड़े के नाम की तकदीर लटक रही है तथा उप कार्यालय को अध्यक्ष की उपस्थिति में सील किया गया है। अब विषय यह उठता है कि जब प्राचार्य के कक्ष को सील लगा है और अध्यक्ष कार्यवाहक प्राचार्य को 600 छात्रों के रुके असाइनमेंट के मार्क विद्यापीठ भेजने की सूचनाएं दे रहा है, यह बात समझने से परे है। तो वही विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष से नागपुर विद्यापीठ में कुलगुरु तथा वरिष्ठों के विचाराधीन इस मामले में तत्कालीन प्राचार्य वीरेंद्र जुमड़े को विद्यापीठ द्वारा बार समय देने पर भी उन्होंने उक्त सभी छात्रों के मार्क विद्यापीठ को नहीं पहुंचाने से उन सभी 600 छात्रों को विद्यापीठ द्वारा फेल किए जाने की खबर निकल कर आ रही है। ज्ञात हो कि यह वही डॉक्टर हरिबाव आदमनी कला वाणिज्य महाविद्यालय है जहां 22 जुलाई को यहाँ के प्राचार्य और प्राध्यापक कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में जमकर शराब पी तथा जब नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो सारे कपड़े उतार कर डांस कर ठुमके लगाए तथा इसी नशे के ताले में प्राचार्य वीरेंद्र जुमड़े ने करीब ही रहने वाली नाबालिग आदिवासी लड़की से छेड़छाड़ कर इस सरस्वती के मंदिर को कलंकित किया था। फिलहाल प्राचार्य महोदय हवालात में है और मामले की जाँच चल रही है। सर, मैं सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत समय से ये सारी बातें सामने आ रही थी और हम लोग कर भी रहे थे और ये ना भेजने का कारण ये सिर्फ आपसी रंजिश और आपसे खुन्नस के चलते है। इनमें जो प्राचार्य थे वीरेंद्र जुमड़े, इनको छात्रों के हित से या भविष्य से कोई लेना देना नहीं है उनका। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक खुन्नस पूरे करने के लिए वो छात्रों को हमेशा ढाल बनाते आए। इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि छात्रों को ढाल बना के उन्होंने अलग अलग आरोपों में वहाँ से जिनकी उनसे नहीं बनती थी उन टीचर स्टाफ को उन्होंने बाहर करवाया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास में है। विद्यापीठों ने अपनी कमिटियाँ भेजी है, कमिटियों के सामने खुलासा हुआ है कि जुमड़े जो है वो गिल्टी है। बीसीएन न्यूज के लिए सामनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।